किया संक्रमित। 8 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाता रहा बीएसएफ का जवान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया, जहां बीएसएफ का एक जवान कोरोना संक्रमित अपनी पत्नी को लेकर 8 घंटों तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। जवान ने लोगों से मदद की, दरकार भी की, मगर उसे सुनने सुनाने वाला कोई नजर नहीं आया। और अंततः 8 घंटे बाद मीडिया की दखल के बाद जवान की पत्नी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए सुनाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। ये सर, हम देश के लिए मरते हैं, 4 दिन की छुट्टी में आए अचानक। ये वो मेरा कोरोना वैक्सीन है ना, मेरे को वैक्सीन सब लगा, मेरी रिपोर्ट ठीक है सर। मेरी फैमिली को ऐसी स्थिति है, बताइए कहाँ पदस्थ हैं आप जी? कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं पूरा 3 बटालियन भी ऐसे अपने कहाँ आप ले गए थे अभी हॉस्पिटल में? आपने दिखाया, डॉक्टर से बात की आपने? मैं ले गया था दिल्ली हॉस्पिटल में भी, तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का सुविधा नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। यही बोलते हैं यहाँ। यहाँ आपने बात की डॉक्टर से? बात की आपने यहाँ पे अभी लेके आया यहाँ पे आया सर। अभी मेरे को कोई बोलता उस गेट पे जाओ, उस गेट पे मेरे को कोई बता ही नहीं रहा सर। सुबह से लेके बिछिया हॉस्पिटल में था, बिछिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, तो जांच करवाया, निकलने के बाद कोई पूछ ही नहीं रहा सर। बताइए किस रोड पे? कौन है कोरोना पेशेंट आपके पास? मेरी भाई है सर। बताइए, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। रहने वाले हैं? मैं ये रहने वाला सीधी जिला का हूँ, लेकिन मेरा मकान यहीं बना हुआ है। कब से भटक रहे हैं आप? मैं सर सुबह 6 बजे से मैं फैमिली को लेकर पिछलिया हॉस्पिटल से आया, जांच करवाया सर। उसके बाद से कभी इधर उधर घूम रहा हूँ, इस गेट से उस गेट में। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हो पा रहा है ना, कहीं कुछ हो पा रहा है।